कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने तो जैसे ठान ही ली है कि वो लगातार किसी न किसी विवाद को लेकर सुर्खियों में बने रहेंगे। कनाडा इंडिया विवाद पर लगातार बोलने वाले ट्रूडो भारत पर गंभीर आरोप तो लगा गए, लेकिन अब उन्होंने एक और ऐसी हरकत कर दी जिसके चलते उनकी आलोचना की जा रही है। यहां तक कि इस हरकत के लिए उन्होंने माफी मांगी है। ट्रूडो ने भारत के बाद अपनी संसद में कुछ ऐसा कर दिया कि यहूदियों के साथ भी उनका पंगा हो गया। उनके साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी अब घेरा जा रहा है। मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। 22 सितंबर की बात है, कनाडा की संसद में नाजी आर्मी के एक सदस्य को सम्मानित किया गया था। ज़ेलेंस्की ने उन्हें हीरो बताया। ट्रूडो समेत संसद में मौजूद सभी लोगों ने उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। इस बात को लेकर विवाद हो गया। हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया गया था कि होंका, जो कि 98 वर्ष के हैं, उन्होंने यूक्रेनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। बाद में ये बताया गया कि होंका ने एसएस के 14वें वेफेन ग्रेनेडियर डिवीजन में काम किया था। वो एक नाजी सैन्य इकाई थी। अब कनाडा की संसद के स्पीकर रोटा ने भी होंका के सम्मान करवाए जाने को लेकर माफी मांगी है। With my gesture and remarks. सरकार से जुड़े नेताओं ने भी एक के बाद एक इस मामले पर माफी मांगी, लेकिन जब विवाद थमा नहीं तो ट्रूडो ने भी माफी मांगी। कनाडा के पीएम ने घटना पर माफी मांगते हुए मीडिया से कहा, यह अत्यंत दुखद है कि ऐसा हुआ। कनाडा की संसद में जो हुआ वो संसद के लिए और सभी कनाडाई लोगों के लिए शर्मनाक बात है। But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and by extension to all Canadians. I think particularly of Jewish MPs and all members of the Jewish community across the country who are commemorating Yom Kippur today. I think it's going to be really important that all of us push back against Russian propaganda, Russian disinformation, and continue our steadfast and unequivocal support for Ukraine as we did last week with announcing further measures to stand with Ukraine in Russia's illegal war against it. कनाडा की विपक्षी पार्टियों ने मामले पर ट्रूडो से माफी मांगने की मांग की थी। मुख्य विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने ट्रूडो की आलोचना करते हुए पोस्ट किया। जस्टिन ट्रूडो ने व्यक्तिगत रूप से एसएस यानी नाजी डिवीजन के 14वें वेफेन ग्रेनेडियर डिवीजन के अनुभवी से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। ज़ेलेंस्की की कनाडा यात्रा के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स में नाजी दिग्गज को सम्मानित किया गया। आगे उन्होंने लिखा, ये जस्टिन ट्रूडो के जजमेंट में भयानक गड़बड़ी का मामला है। उनके अपने ऑफिस के लोग मेहमानों और इस तरह की यात्राओं के अरेंजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में बुलाने और सम्मानित करने से पहले किसी भी सांसद को इस शख्स के अतीत के बारे में जानकारी नहीं थी। ट्रूडो को व्यक्तिगत रूप से माफी मांगनी चाहिए और हर बार की तरह दूसरों पर दोष मढ़ने से बचना चाहिए। वहीं कनाडा के मानवाधिकार समूह संगठन फ्रेंड्स ऑफ साइमन विसेंथल सेंटर यानी FSWC ने भी इस मामले पर एक पोस्ट किया। FSWC ने लिखा कि इस बात से हैरान है कि कनाडा की संसद ने एक यूक्रेनी दिग्गज को स्टैंडिंग ओवेशन दिया जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और अन्य लोगों की सामूहिक हत्या में नाजी सैन्य इकाई में काम किया था। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष एंथनी रोटा ने एक बयान जारी कर माफी मांगी और आखिरकार ट्रूडो ने भी कहा कि बड़ी गलती हो गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।